Hi everyone, my name is Anuj Jindal and today we are going to talk about some questions on percentage. ये जो question का video मैं discuss करने जा रहा हूँ, this is going to be helpful for RBI phase 1 examination, जिसका notification कुछ ही समय में आने वाला है. NABARD phase 1, the exam of which is scheduled on 19th May. SBI, जिसका notification आ चुका है, और SSC का notification भी आ चुका है, that is also out. So you should start preparing for these examinations. सब में एक कॉमन चीज़ है, दैट इज़ क्वांट, एंड इन दैट परसेंटेज इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एरिया. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन बोलता है, इन द रिसेंटली कंक्लूडेड सीरीज सचिन स्कोर 30% मोर इन द सेकेंड मैच देन वॉट ही स्कोर इन द फर्स्ट मैच एंड स्कोर 981/91. सी वी हैड लर्नड इन द लास्ट वीडियो दैट वी हैव टू सिंप्लीफाई दीज कैलकुलेशन. 981/91, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आएगा 99 अपॉन 9100, दैट इज़ 9 अपॉन 91. तो 9 अपॉन 91 हमारा सिंप्लीफाई करके हमने निकाल लिया. दिस वी आर गोइंग टू यूज़ नाउ. मोर इन द थर्ड मैच देन व्हाट ही स्कोर्ड इन द सेकंड मैच. सेकंड मैच में कुछ उन्होंने परफॉर्म किया, फर्स्ट में कुछ परफॉर्म किया, थर्ड में कुछ परफॉर्म किया. तीनों की कैलकुलेशन दी हुई है. इफ़ द डिफरेंस बिटवीन थर्ड एंड फर्स्ट इज 30 रन्स. अब हमको पता है एक एब्सोल्यूट नंबर आ गया हमारे पास, थर्ड और फर्स्ट का डिफरेंस 30 रन्स है, तो इसके थ्रू हम अपनी कैलकुलेशंस बनाएंगे. व्हाट वाज हिज टोटल स्कोर इन द थ्री मैचेस. तीनों मैचेस का स्कोर पूछा है. तो आंसर किस तरह से बनेगा, हमने 9/91 को सिंप्लीफाई किया. नाउ वी हैड लर्नड इन द लास्ट वीडियो कि जब भी ऐसे फ्रैक्शन को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे जो भी हम एज्यूम करेंगे नंबर, दैट हैज़ टू बी अ मल्टीपल ऑफ दिस फ्रैक्शन. तो हमने मल्टीपल इसका सीधा ले लिया 91K और 91X. तो हमने मल्टीपल ले लिया 9/91 का. सो 91X हमने अज्यूम कर लिया इज द स्कोर इन सेकेंड मैच. सेकेंड मैच में 91X लिया, 91K हमारा स्कोर है. अब उसमें दिया हुआ है सचिन स्कोर 30% मोर इन द सेकेंड मैच देन व्हाट ही स्कोर्ड इन द फर्स्ट मैच एंड 9/91 मोर इन द थर्ड मैच देन वॉट इज स्कोर्ड इन द सेकेंड मैच. तो थर्ड मैच का हमारा स्कोर आ जाएगा, सेकेंड मैच का 91K, थर्ड मैच का 9/91 ऑफ 91K या 91X. तो हमारा आ गया 9K और 9X. तो थर्ड मैच का स्कोर हो गया 91X प्लस 9X, मतलब 100X. 100X हमारा थर्ड मैच का स्कोर हो गया. और फर्स्ट मैच का स्कोर कितना है, फर्स्ट मैच का स्कोर है 30% मोर इन द फर्स्ट मैच देन व्हाट ही स्कोर्ड इन द सेकेंड मैच देन व्हाट ही स्कोर्ड इन द फर्स्ट मैच. तो हमको ये पता है कि 91K इज 130% ऑफ फर्स्ट मैच. फर्स्ट मैच में हमने जितना भी स्कोर किया उसका 130% करेंगे तो हमारा आ जाएगा 91X. तो ये हमारा आ जाएगा 70X. 70X में 30% ऐड करो, 70 का 30% कितना होगा, 21. इसमें ऐड किया, हमारा आंसर आ गया 91X. वेरी सिंपल. तो 70X हमारा हो गया फर्स्ट स्कोर का मैच, फर्स्ट मैच का स्कोर, सॉरी. अब हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों के नंबर्स पता हैं, बट दे आर इन वेरिएबल्स 70X, 91X, 100X. इन तीनों में डिफरेंस देखेंगे. फर्स्ट और थर्ड का डिफरेंस दिया 30 रन्स, तो 70X और 100X का डिफरेंस कितना है, 30X. मतलब 30X 30 रन्स के बराबर हो गया, तो X हमारा 1 आ गया. अगर x हमारा 2 या 3 या कुछ और नंबर आता है देन वी हैव टू मल्टीप्लाई दैट इन एवरी मैच स्कोर. मान लीजिए x हमारा 2 आता है तो फर्स्ट मैच का स्कोर 70 × 1 ना होके 70 × 2 लिख, यानी 140 हो जाता. सो इट विल इंक्रीज, इट विल मल्टीप्लाई. सो दिस कैलकुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एब्सोल्यूट नंबर में जो डिफरेंस है दैट इज 30 रन्स, और वो 30X के बराबर आया, मतलब x हमारा 1 हो गया, सिंपल सिंपल. तो इसलिए हमारा स्कोर 70, 91 और 100, ये तीनों हो गया. इन तीनों को ऐड करेंगे आंसर आएगा 261. सो दिस वुड बी आर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन एन ओपिनियन पोल, इसमें हम लोग को एक चार्ट बनाना पड़ेगा. कंडक्टेड बाय अ पॉपुलर मैगजीन इट वाज फाउंड दैट आउट ऑफ 360 पीपल सर्वेड, हमने टोटल 360 पीपल सर्वे किए, 50% देखते हैं जेड, 25% देखते हैं सोनी, 25% देखते हैं स्टार, इसमें मैन वेमेन दोनों हैं. 75% ऑफ द सर्वेड आर वीमेन एंड द रिमेनिंग 25% आर मैन. 75% मतलब 270 वीमेन हो गई और मैन कितने हो गए, 90. तो 90 आदमी हैं और 270 औरतें हैं. दिस इज समथिंग दैट वी हैव फाउंड आउट. इफ 40% ऑफ द मैन वॉच जेड टीवी, हमने सबसे पहले क्या किया था, जेड निकाला था,
उसके बाद सोनी था और उसके बाद स्टार था। तो 40% ऑफ द मैन वॉच जेड टी वी। जेड टी वी कितने देखते हैं? 40% ऑफ द मैन। 40% ऑफ 90 कितना हुआ? इसकी कैलकुलेशन देखिए कितनी आसानी से हो सकती है। 10% कितना होता है? 9। 10% में हमेशा एक जीरो हटा देते हैं। 10% 9 हुआ, 40% 9 × 4 36। सिंपल, बहुत टाइम बच गया आपका। 36 आर मैन हु आर वॉचिंग जेड टी वी। टोटल 50% लोग जेड टी वी देख रहे हैं। 50% ऑफ 360 इज़ 180। 180 माइनस 36, 144 वीमेन आ गई। ऐसे ही हम तीनों का निकाल लेंगे यहाँ पर और हमारा आंसर आ जाएगा। चार्ट को देखते हैं एक बार। हम चार्ट से हम किस तरह से करेंगे, जेड टी वी जो हमने निकाला 144, 180, इसी तरह सोनी का आ जाएगा और इसी तरह स्टार का आ जाएगा। तो तीनों की हम कैलकुलेशंस करके इजीली परसेंटेज निकाल सकते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन अगर आपको चार्ट बनाना आता है तो। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इट्स ऑल्सो अ वेरी इजी क्वेश्चन, नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन एट ऑल। इसमें बस एक ही ट्रिक यूज होगी विच इज़ वेरी सिंपल, विच ऑल ऑफ यू माइट बी अवेयर अबाउट। वो होता है कि अगर कुछ नहीं पता है तो हम 100 अज्यूम कर लेते हैं, 1 अज्यूम ना करके, जिससे हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। क्वेश्चन बोलता है, इन 1968 देर वर अ सर्टन नंबर ऑफ बीटनिक्स इन USA। इन 1969 द नंबर ऑफ न्यू बीटनिक्स हु जॉइंड द मूवमेंट वर 30% ऑफ दिस, वाइल 10% ऑफ द एग्जिस्टिंग बीटनिक्स क्विट द मूवमेंट। तो हमने अज्यूम कर लिया कि सबसे पहले हमारे पास 100 थे, हमारे पास सबसे पहले 100 थे। 100 में हमने 30 ऐड हुए, 30% ऑफ 100 इज 30, और 10% जो हैं वो निकल गए, तो हमारे पास कितने बचे? 120। उसके बाद क्या हुआ? 120 हमारे पास हैं, 20% ज्वाइन द मूवमेंट, 20% ऑफ 120, 10% कितना होता है? 12, 20% 12 का डबल 24। इस तरह से कैलकुलेशन आप जल्दी कर सकते हैं। एंड 30% ऑफ द एग्जिस्टिंग बीटनिक्स लेफ्ट। 30% कितना हुआ? 10% 12, 30% 36। तो 24 लोगों ने जोड़ा, 36 लोगों ने छोड़ दिया, तो हमारे पास कितने बचे? 108 बचे अभी। अब 108 टोटल हमारे पास बचे हैं 2 साल के बाद। व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल नंबर ऑफ बीटनिक्स फ्रॉम 68 टू 70? 68 में 100 थे, 70 में 108 थे, तो 8 लोग बढ़े हैं। 10% 10 होता है 100 का, 8% 8 होगा 8%। वेरी सिंपल, तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पर 8%। वेरी सिंपल क्वेश्चंस आई हैव टेकन टुडे। हम लोग और फ्यूचर में और टिपिकल क्वेश्चंस लेंगे परसेंटेज के, प्रॉफिट एंड लॉस के, बहुत सारे टॉपिक्स रिलेटेड टू accounts and also related to reasoning.